चैनल इंदु अग्रवाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम और बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, और ट्यूशन से आते ही उनको खेलने के लिए मन कर रहा था तो वो ट्यूशन से आते ही पार्क में खेलने चले गए हैं, क्योंकि घर पे आए हुए हैं आदि और अनन्या जो कि मेरी मामी जी के बच्चे हैं, तो उनके साथ वो पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, फिर मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। और आज बन रहा है हमारे यहाँ समोसे, और क्योंकि समोसे की डिमांड की थी विवान ने, विवान कई दिनों से कह रहा था कि समोसे खाने आए, तो मैंने उनको उसको बोला कि अभी समोसे नहीं बनाते हैं, अभी बाज़ार से ला के खा लो, फिर किसी दिन बना लेंगे, लेकिन बोला नहीं कि आज के आज ही खाने हैं मुझे। तो आज हम उसकी डिमांड पे स्पेशली समोसे बना रहे हैं घर में, और बाकी सारी तैयारी तो मैंने सब कर दी है, बस समोसों की फिलिंग भरना रह गया है, तो फिलिंग अभी हम लोग भरेंगे। तो अभी बस मामी जी के बच्चे आए हुए हैं, तो बच्चे उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मामी जी बाहर रूम में बैठी हुई हैं, तो जैसे ही बच्चे आते हैं मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। सो गाइज, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और चाय वगैरह सब मैंने बनाकर बाहर रूम में दे दिया है, बच्चे भी आ गए हैं पार्क से खेलकर, और यहाँ पे मैं तल रही हूँ अभी कचौड़ियाँ। तो अभी समोसे की तो मामी मना कर रही थी, तो उनके लिए हम कचौड़ियाँ तल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं, तो मामी और बच्चे कचौड़ियाँ खाएंगे, तो उनके लिए मैं लेके जाऊँगी, अभी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगी। तो गाइस, ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ सिक्के तैयार हो गई हैं, और अब इनको ले चलते हैं बाहर रूम में। तो गाइस, ये आ चुके हैं आदि और अनन्या, और बच्चों से मिलके बहुत खुश हो गए हैं आदि, और यहाँ पे चल रहा है अभी सबका नाश्ता। तो गाइस, आदि अनन्या वगैरह सब चले गए हैं, और अब हम लोग करने वाले हैं समोसे बनाने की तैयारी। तो अंदर रूम में सारा सामान हमने रख लिया है, और मम्मी जी बैठ गई हैं समोसे बनाने के लिए। तो गाइस, चलते हैं अंदर वाले रूम में, वहीं पर समोसों को भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मम्मी जी ने समोसे भरना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे सारे समोसे हम भर के रख लेंगे एक साथ, फिर उनको बाद में हम सेक लेंगे। गाइस, ये देखिए समोसे भर के हमारे तैयार हो गए हैं, अभी हमने 6 समोसे भर लिए हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो पहले मैं उनको सेक कर दे देती हूँ, तो इसलिए मैं 6 समोसे अभी रूम से ले आई हूँ और उनको सेक कर दे देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो गाइस, देख सकते हैं कि समोसे कितने अच्छे सिक्के तैयार हो रहे हैं हमारे, एकदम कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए, बस थोड़ा सा और इनको सेकना बाकी है, फिर ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। और आज बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विवान एक्साइटेड है, क्योंकि उसको कई दिनों से मन कर रहा था समोसे खाने का, और हम लोग बना नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली आज उसकी डिमांड पूरी हो रही है, तो वो बहुत एक्साइटेड है समोसे खाने के लिए, और बाहर वाले रूम में वो वेट कर रहा है कि कब समोसे आए और मैं कब खाऊं। तो बस जल्दी से सिक्का तैयार हो जाए तो मैं उसको देने जाती हूँ, दोनों बच्चे खाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए गाइस, समोसे सिक्का बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए गाइस, ये समोसा हमारा बनके तैयार हो गया है।
तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी समोसा थाली। ये देखिए समोसे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। बच्चे लगे हुए हैं मोबाइल में गेम खेलने में। ये देखिए विवान समोसे खाइए। गाइस ये देखिए बच्चे बहुत खुश हो गए हैं समोसे देखकर। अभी तो खाए ही नहीं यार, खाकर बताओ ना कैसे हैं। देखिए गाइस खाने से पहले ही तो तुबू आई है ना, तो तुबू है समोसा अच्छा अच्छा है तो तू नहीं। गाइस यहाँ पर तो बच्चे समोसा एंजॉय कर रहे हैं जब तक चलते हैं और दूसरा वेज डाल देते हैं सीखने के लिए। सो गाइस यहाँ पे सारे समोसे सीखकर तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको लेकर जा रही हूँ बाहर रूम में। बाहर सब लोग इनका वेट कर रहे हैं सब लोग खाने के लिए। तो गाइस बाहर रूम में चलते हैं। सो गाइस सब लोग समोसे खा चुके हैं और सब लोगों ने खूब सारे पेट भर के समोसे खाए और आयन यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे पास। हम लोग काम वाम से सब फ्री हो गए थे तो आयन यहाँ पे बैठा हुआ है और विवान अपने पापा जी के पास लेटा हुआ है और ये घूम रहा है हमारा डॉगी सोना। आज ये बहुत सैड हो गया है क्योंकि आज इसको ब्रेड खाने को नहीं मिली है। जो हमारे घर के पास शॉप है तो वो उधर आज ब्रेड थी नहीं, ख़त्म हो गई थी और घर पर भी ब्रेड है नहीं, आज ख़त्म हो गई है तो आज इसको ब्रेड नहीं मिली खाने को, इसलिए सैड हो गया, घूम रहा है आगे पीछे सबके कि कोई ब्रेड दे दे इसको। सोना आज ये बोल नहीं रहा है किसी से, सैड सैड सा हो रहा है और घूम रहा है इधर से उधर। अब इसको कल ही ब्रेड खाने को मिलेगी तभी ये खुश होगा, नहीं तो ऐसे ही घूमता रहेगा तब तक ये। तो चलिए गाइस आज की ब्लॉग को आप यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस।